संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का क्या कहना है वो भी सुनिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं सर। जिस तरीके से अब कह सकते हैं कि मजबूरी में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से, देखिए सारी नोटिस रिजेक्ट कर दी जा रही है। 50 लोगों ने कल 50 सांसदों ने 267 का नोटिस दिया मणिपुर पे, और 27 लोगों ने उस दिन दिया जिस दिन मुझे सस्पेंड किया गया। 3 दिन तक लगातार मैं अपनी पार्टी की ओर से दे रहा था 267 का नोटिस। तो अगर मणिपुर पे सरकार जवाब नहीं देना चाहती, देश का एक बॉर्डर स्टेट जल रहा है, बच्चों का वहाँ कत्ल हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, और इसलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाना बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान में पहली बार भारत की संसद में प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, और उस समय जनता के मुद्दों पर सदन में अच्छी चर्चा हुई थी, सरकार को जवाब देना पड़ा था। आज भी इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जो तमाम मुद्दे हैं, महंगाई का सवाल है, मणिपुर की हिंसा जो सबसे बड़ा सवाल है, उस पर विपक्ष टीम इंडिया जो है वो अपनी बात रख पाएगी और मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। आपको लगता है कि मणिपुर के मुद्दे पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपना बयान नहीं दे रहे हैं और विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, और अगर वो भागेंगे, अभी भी भागेंगे, तो पूरा देश इस बात को देखेगा। बातचीत कुमार, दिल्ली।